हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बढ़िया और फिलहाल मैं आज का न्यू वीडियो के साथ। तो अभी टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया गाइस, अप्रॉक्स अभी 10 बज रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आज मम्मी है नहीं, जिस कारण से मेरा अभी तक नाश्ता भी नहीं हुआ है। मम्मी सुबह सुबह ही विलेज चली गई थी, तो अभी हम जा रहे हैं मम्मी को बाजार लाने के लिए, क्योंकि अपना दूसरा का घर है तो वहाँ पर थोड़ा सा काम हो गया था। मम्मी सुबह सुबह ही निकल गई थी, अब हम जा रहे हैं मम्मी को लाने के लिए और फिर हम लोग खाना पीना नाश्ता बनेगा। अभी तक हम लोग भी नहीं खाए और मेरी कोई भाई बहन भी नहीं खाया है, पापा भी नहीं खाया। तो फिलहाल हम जाते हैं मम्मी को रिसीव करने गाइस, तो मिलते हैं आगे। बिर निकाल लिया यार, खुल गया। गाइस हम फिलहाल कर रहे थे रिलैक्स और आप देख ही सकते हैं इस तरह से फूल गया ये मधुमक्खी। ये बिरनी का प्यार है, क्या ही बताओ। कल शादी भी है तो देखते ठीक हो पाता है। मेडिसिन तो ले ली है, अभी हम जा रहे हैं पार्सल लेने के लिए गाइस। तो फिलहाल हम तो गाइस इसमें स्मार्ट वॉच और जो कि हम ले आए हैं नॉइस का स्मार्ट वॉच है गाइस। तो अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस, तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइज बहुत रेस्ट किया और देखा तो इधर भी थोड़ा थोड़ा फूल गए, पहले ऊपर ही फूला था, अब यहाँ भी फूल गए थोड़ा थोड़ा। तो बिरनी काटने के बाद इतना कुछ होता है यार, मेरे को लगभग सेकेंड बार काटा है यार। वो तो बहुत पहले काटा था, अप्रॉक्स 5-6 साल पहले, बट इस बार काट लिया। और जानते हो कल शादी है भैया का, देखते हैं कैसे होता है मैनेज, अभी ही काटना। तो गाइस अभी हम हो चुके हैं रेडी और अब हम जा रहे हैं अपने गांव, क्योंकि भैया जी का शादी है। तो फिलहाल हमारा भाई भी रेडी हो गया, तो अभी हम लोग निकलते हैं गाइस अपने गांव, क्योंकि शादी हो रहा है गाइस। तो भैया का शादी है तो भोज खाना जा रहे हैं हम लोग, तो मिलते हैं आगे गाइस। पर ये दीवाना है तेरे पीछे, सर ये झुकने ना दूं दुनिया के आगे, पर तेरी पायल देखूं करके सर नीचे। तो गाइज आज के ब्लॉग को मैं रखते हैं, अभी हम जस्ट विलेज आ गए और अभी टाइम हो रहा है 11:47। आज के ब्लॉग को मैं रखते हैं, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइज, शादी कर ले गाइज़।